नमस्ते और ओम शांति आप सब श्रोताओं का आपको स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। और इस चैनल के डिफरेंट टॉपिक्स में जाने के लिए और डिफरेंट प्लेलिस्ट में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही खूबसूरत टॉपिक्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन के बारे में दिया गया है वहाँ पर, और हेल्प कर सकते हैं आप उनके साथ शेयर करके। योगासन्स, आपकी चेयर पर बैठ के करने वाली एक्सरसाइजेस, आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे ठीक करें, और साथ ही साथ आपकी पेरेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं। आप जाकर के इस लिंक पर जाकर क्लिक करें और चेकआउट करें कि ये सारे लिंक्स आपको लेके कहाँ जाते हैं, और उनमें से कुछ अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर औरों के साथ शेयर करें। तो आज के ईश्वरीय वरदान में आगे बढ़ते हैं। 243वें दिन के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा कहते क्या है, देखें आज जरा। बाबा कहते हैं, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा हमारी दृष्टि और हमारी वृत्ति, मतलब एटीट्यूड, देखने के नज़रिए के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूरत भवा। ये औरों को फील हो कि हाँ, गुणों को इस्तेमाल करके रहना आसान है। जैसे लोग कहते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि भैया आज आपको धक्का मारना है लोगों को आगे बढ़ने के लिए, आपको औरों को दबाकर ही आगे बढ़ना है। परमा तो कहते हैं ये चीज़ों को, ये दृष्टि को, इस विजन को और इस एटीट्यूड को चेंज करो। कैसे चेंज करें? पहले खुद तो एक्सपेरिमेंट करें, क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करें अपने जीवन में, उसको देखें वो चलते कैसे हैं, आगे बढ़ पाते नहीं बढ़ पाते, एक्सपीरियंस करें, खुशी महसूस करें, हल्कापन महसूस करें गुणों को इस्तेमाल करके, परमात्मा की शक्तियों को इस्तेमाल करके। आपने गुणों को इस्तेमाल किया लेकिन किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, आपको आपके पास शक्ति नहीं उसको सहन करने की, तो आप फिर से क्या करेंगे? गुणों को छोड़ेंगे, अरे ये काम नहीं करते, अब गुण की तरफ चलते हैं, फिर से गाली करना चाहिए, फिर से बुरा भला बोलना चाहिए, तभी यह लोग काम करेंगे। परमात्मा कहते हैं यहाँ पे गुण और शक्ति दोनों को इस्तेमाल करें, तब जा करके काम बनता है, नहीं तो नहीं बनता। इसलिए लोग क्या कहते हैं कि बुराई के रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, अच्छाई के रास्ते से कोई किसी को कोई फायदा नहीं होता, ये कहने शुरू कर देते हैं डायलॉग। तो बाबा कहते हैं, अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ। हमारी वृत्ति जो एटीट्यूड है उसको परिवर्तन करने से दृष्टि को दिव्य बनाओ। जो अंदर सोच चल रही है वही तो हमारे विजन में आएगी, हमारी दृष्टि में आएगी, उसी तरीके से हम चीज़ों को, सिचुएशंस को, लोगों को देखेंगे, है ना। तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, उनका जो रियल रूप है उनको भी फील होगा, नहीं मैं तो इतने दिनों से, इतने सालों से मैं क्रोध को, अहंकार को दबा दबा करके लोगों को आगे बढ़ रहा था, मैं उनको नीचे गिरा कर आगे बढ़ता, नहीं ये कैसे कर पा रहा है ये चीज़ को, ये गुणों को इस्तेमाल करके कैसे आगे बढ़ पा रहा है। ये दुनिया तो है नहीं, कलयुग में तो हर किसी को सर्वाइव करना पड़ता है, तो एक दूसरे को पीछे गिरा करके, पलटा करके, गलत कर करके, गलत फहमे कर करके, मैनिपुलेट करके आगे बढ़ पड़ता है, ये कैसे आगे बढ़ पा रहा है गुणों को इस्तेमाल करके। परमात्मा चाहते हैं वो हो। तो बाबा कहते हैं अपने यथार्थ रूप को वो देख पाए आपके द्वारा, यथार्थ घर परम धाम से आए, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, उसकी याद में आ जाए वो लोग, तथा यथार्थ राजधानी देखेंगे। यथार्थ राजधानी मतलब जहाँ उनको जाना है भविष्य में वो देख पाएंगे। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो। अगर हमारे अंदर देह का अहंकार है, देह अभिमान है, देह अभिमान मतलब कि हम ही अगर फंसे हुए हैं उस एटीट्यूड में, उन संस्कारों में, कि हमें अगर छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आता है, हमें छोटी छोटी बातों पे अगर अहंकार आ जाता है, हमें कोई कुछ बोल दे तो हमें बिल्कुल हर्ट हो जाता है, फील हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं फिर औरों को कैसे हेल्प करोगे? छोटी छोटी बातों में अगर आप खुद ही गिर जाते हो तो औरों को कैसे हेल्प करोगे? इसलिए तो वृत्ति के सुधार से, तो हमें पहले अपनी वृत्ति, अपने एटीट्यूड को सुधारना है, से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। अपनी वृत्ति चेंज होगी, हमारा देखने का नजरिया, दृष्टि चेंज होगी, तो जाकर के क्या होगा? परिवर्तन होगा सृष्टि में। एक एक करके लोग देखेंगे, अरे ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी काम कर सकते हैं, अच्छा बढ़िया चीज़ है, मैंने फालतू में ही 10 साल तक अपना खून चलाया, मैंने अपना हार्ट का ब्लड प्रेशर बढ़ाया, मैंने कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कर दिया चला चला के काम करने वालों के ऊपर, और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जॉब में प्रमोशन लेने के लिए कितना कुछ नहीं किया मैंने, इधर से उधर घुमाया उधर से, ये भी तरीका है करने का, अच्छा। तो परमात्मा कहते हैं ये दृष्टि उनको मिले, ये वृत्ति उनको समझ आए, तब परिवर्तन आएगा।
देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं लेकिन यह एक जादू की डिबिया है, कि आपकी आंखों में देख करके उनको ये नहीं लगेगा कि ये साधारण आंखें हैं, उनको ये देख करके लगेगा नहीं, इन आंखों के पीछे जो सोच है वो बहुत ही असाधारण है, बहुत ही ऊंची सोच है, बहुत ही दिव्य सोच है। उनको भी हल्कापन महसूस होगा, आपको भी होगा। फिर बाबा कहते हैं ये नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे, आपके नैनों के द्वारा औरों को अपने अच्छेपन का साक्षात्कार होगा, अपने अंदर की अच्छाइयों की महसूसता होगी, उनको फीलिंग होगी नहीं हाँ इसके साथ में रह करके, इसके संग में रह करके मैं चेंज हो सकता हूँ, चेंज हो सकती हूँ, ये चीज़ ज़रूरी है। तो आज का ये श्रीवर्धन, अगर आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में ऐसा कहीं अनुभव किया हो, या अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में अपने कमेंट्स लिखें और अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करें, और औरों के साथ भी अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छी है, बहुत अच्छे इसमें समझ है, तो औरों के साथ शेयर करें, उनका जीवन भी बदले। इससे आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।